That's the first sight of Pangong Lake, guys. I'm so excited. Yeah, so much beauty it is to ride across Pangong Lake. Pangong Lake mere right side mein hai yaar. I am riding towards Mahe, and Mahe ke baad hai Pangong. I've become a little emotional now. क्योंकि आज मेरी जर्नी का सबसे टफेस्ट पार्ट था. सबसे टफेस्ट पार्ट कहाँ चालू हुआ? डे वन में आया मुंबई से मोडासा. डे टू मोडासा से जयपुर. डे थ्री जयपुर से चंडीगढ़. डे फोर चंडीगढ़ से मनाली. और फिर बाद में ग्रुप को ज्वाइन किया. डे फाइव मनाली से जिस्पा, वो ठीक था, अटल टनल वगैरह. डे सिक्स जिस्पा टू सारचू. तो वो जो था वो बारालाचा पास, दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टफेस्ट राइड फॉर मी इन द माउंटेन्स. सारे ट्रक्स इस साइड में और वाटर क्रॉसिंग्स सारे इस साइड से. इतनी सी जगह में जा रहा हूँ मैं, इतनी सी जगह में हम लोग सारे बाइकर्स. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपीरियंस फॉर मी. देन द नेक्स्ट डे was Sarchu to Somoriri. That was like the most toughest. I'm talking about that day. Till that day. The most toughest ride till that day. Because there was no road. Kacche road pure. Poste poste raat ho gayi. Gidi mitti. Tire phas raha hai. And then today, then after that Somoriri to Hanle, again the same road. सेम कंडीशन. बट हांडले पहुँचने से पहले जो रोड देखा वीडियो में, दैट वॉज ऑसम. इट वॉज लाइक कोई जेट भी लैंड करा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का उस पर. बट टूडे हांडले टू पैंगोंग, ओ माई गॉड. हाँ, टोटल 200 किलोमीटर में से फर्स्ट 50 किलोमीटर टिल लोमा मिलिट्री कैंप वेर गुड. एंड नाउ चिस्कुल से पैंगोंग 40 किलोमीटर आई थिंक they are good, that's what I am seeing. But 110 kilometers was very bad, and at a given point of time I had an option to quit and tell my captain, group captain, that I cannot ride. He would have ridden my bike and I would have sat in the backup vehicle, but I did not do that. Maine puri ride ki wo wali off-roading wali. और अब मैं पैंगोंग पहुंच रहा हूँ. पैंगोंग मेरे बाजू में है. दिस इज द प्राइज, द रिवॉर्ड दैट यू गेट फॉर कंप्लीटिंग सच अ टफेस्ट राइड. एंड इट्स रियली इमोशनल. आई मीन आई कैन टेल यू, अनलेस यू डू इट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस आर प्लेइंग इन माय माइंड. आई मीन लिटरली आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज. बट दैट्स माय अचीवमेंट. पैंगोंग का व्यू दिखाता हूँ. जब हम लोग टर्न मारेंगे ना, तब पैंगोंग देखना कितना ब्यूटीफुल दिखता है. विद ब्लू वाटर, ब्लू स्काई, पैंगोंग. आई एम कमिंग. ओह माय गॉड, लुक एट दैट. ओह पैंगोंग, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पैंगोंग. ओह BRO के बदौलत हमें अच्छे रोड्स मिले. थैंक्स टू BRO. वी एवरी टाइम वी हैव सीन देम ऑन द रोड वी हैव सल्यूटेड. वी हैव लिटरली सल्यूटेड देम बिकॉज दे आर द वंस बिकॉज ऑफ वेयर हुम वी कैन एक्चुअली राइड अवर बाइक्स कार्स ऑन दिस रोड्स. यार मैं बोलता हूँ ना, सब छोड़ो और ले लद्दाख चलो. जिसको बाइक पे आना है बाइक पे आ जाओ, जिसको कार में आना है कार में आ जाओ, जिसको टेम्पो में आना है टेम्पो में आ जाओ, जिससे आना है जैसे आना है आ जाओ, लेकिन ले लद्दाख आ जाओ. बस इतना ही है कि एनवायरनमेंट का थोड़ा ख्याल रखना. ऐसा मत करना कि सब लोग एक साथ आ जाए. परमिट वगैरह लेके ध्यान से आना. ओह माई गॉड, लुक एट दैट पैंगोंग यार. मैं तो ध्यान बुझ कर धीरे चला रहा हूँ. और हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं एक्चुअली. तो आई थिंक हम लोग पैंगोंग से
पैंगोंग के पैरेलल चलेंगे. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे अंदर का चाइल्ड बाहर आ रहा है. I wanted to shoot the beautiful sunset there and the Pangong Lake here. The beautiful sunset. Kitna beautiful nazara hai yaar. Wow. Lovely. Bas dekhte raho aise lagta hai yaar. Okay, so now we are heading towards the shooting point of Pangong Lake. Thank you, Indian Army. Thank you, our brave soldiers, for protecting the part of Pangong that we have in India. And I know the China, bloody, they have an eye on this part as well, because they want to kill the tourism in India. But our brave soldiers keep fighting, not only in this month, but also when there is no habitation here in the month of 6 months during snow. Those times also they stand here and वो लोग डट के खड़े रहते हैं और हमारी पैंगोंग की सुरक्षा करते हैं. Oh my God, really hats off to our Indian soldiers. We are nothing without them. पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कन, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया. फाइनली वी आर इन पैंगोंग, द बाइक एंड द पैंगोंग. हा हा, सर बाइकर ग्रुप. But my bike, I have खुद के दम पे मैं मुंबई से लेके पैंगोंग तक मैं चला के आया हूँ. I am proud of myself. Okay, so I am on the Pangong Lake right now. You can see this is Pangong Lake spread across. Oh, I can see a boat going there, speedboat. पूरा फैला हुआ है, देखो इंडिया के फ्लैग्स लगे हुए हैं, थ्री इडियट पॉइंट्स बने हुए हैं, स्कूटर, थ्री इडियट फोटो पॉइंट्स, याक्स है, हॉर्स राइड्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे, सब लोग फोटोज निकाल रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी. एंड ये देखो पानी कितना क्लियर है. मुझे ना एक्चुअली पानी में हाथ डालना है. तो ये जो पानी है इतना क्लियर है, देखो नीचे का सब दिख रहा है. तो आई एम गोना गो एंड टच द वाटर. It's ice. Oh. Icy, ice.
हाई स्कूल। थोड़ी देर के बाद डालता हूँ तो मेरे क्लोज गुगले हो जाएंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पैंगोंग। रियली लकी टू बी हियर ऑन पैंगोंग लेक। हमने बाइक सब वहाँ पार्क की है, अलाउड नहीं है उसके आगे। कितना मस्त लग रहा है, देखो स्नो कैप माउंटेन्स, सब जगह इंडिया के फ्लैग्स लगे हुए हैं। इतना बड़ा स्ट्रेच पैंगोंग लेक का, ब्लू वाटर। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव आई एम ऑन पैंगोंग लेक। हाँ, सो मैंने फ्लैग फाइनली मेरे बाइक पे लगा दिया है, मेरे हिमालयन पे, जिसको मैं खुद चला के मुंबई से पैंगोंग लेक आया हूँ। अब पैंगोंग से आगे नुब्रा, ले, कारगिल, श्रीनगर एंड देन बैक टू मुंबई जाऊँगा। सो दिस इज माई बाइक एंड दैट्स पैंगोंग। I'll see you on the road.